हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स। पहले ना हर एसयूवी को सारे लोग जीप कहकर ही बुलाते थे, लेकिन जीप के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई गाड़ी पॉपुलर हुई है तो वो है टाटा सुमो। अर्ली 20s में एक ऐसा दौर आया कि जीप जेनरिक नेम की जगह इस गाड़ी के नाम ने ले ली और सारे लोग एसयूवीज को इसी कॉमन नाम से बुलाने लगे थे। लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी थी उस समय। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, ये 1994 में लॉन्च हुई थी और 1994 से लेकर 1997 तक 3 सालों में टाटा ने इस गाड़ी के 1 लाख यूनिट बेच दिए थे। एसयूवी के मामले में ये गाड़ी ईयर 1999 तक टॉप पर रही, बट ईयर 2000 में लॉन्च हुई महिंद्रा बोलेरो ने इस गाड़ी को खूब टक्कर दी और इसको दूसरे नंबर पर ला दिया। बोलेरो को लॉन्च करने के बाद महिंद्रा ने ईयर 2002 में स्कॉर्पियो को लॉन्च कर दिया, जिसने इस गाड़ी की सेल्स पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। अपने ज़माने में ये गाड़ी पॉलिटिशियंस द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। टाटा ने 2000 से लेकर 2019 तक सुमो के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, कभी ग्रैंडे को लॉन्च किया, ग्रैंडे मार्क टू को लॉन्च किया, कभी सुमो डिलक्स को लॉन्च किया और इन्होंने आर्मी के लिए 4x4 एडिशन भी लॉन्च किया था, पर बोलेरो के सामने ये गाड़ी टिक नहीं पाई। ईयर 2019 में पुअर सेल्स फिगर ऑब्जर्व करने के बाद टाटा ने इस कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया। आपको बता दें, ईयर 2000 के ऑटो एक्सपो में टाटा ने सुमो का प्रीमियम एडिशन भी शोकेस किया था। अपने ज़माने की बहुत ही धुआंधार गाड़ी थी, आते ही इस गाड़ी ने मार्केट में धूम मचा दी थी। इस कार को टाटा ने टाटा सियेरा के बाद लॉन्च किया था। बात करें इस गाड़ी के नाम की, तो इसका नाम उस समय के MD रहे सुमंत मूलगांव करके नाम के इनिशियल्स है, SU और MO। सुमो नाम का जैपनीज रेसलिंग या जैपनीज रेसलर सुमो नाम से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी गाड़ी के प्रिंट एड्स शेयर करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये एड्स आपको पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।